गाइस, अभी हम हैं। तो अभी हम जा रहे हैं उदयपुर में एक थोड़ी सी अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है कॉल्ड बाहुबली हिल, जो बड़ी लेक के साथ में है। नीचे वहां पे कार पार्क करके 400 मीटर्स का छोटा सा हाइक है और थोड़े कम लोग आते हैं तो जगह थोड़ी ठीक भी होगी। तो छोटा सा ट्रैक कर रहे हैं, खाने पीने का सामान नीचे मिल जाता है जैसे छुट्टी वाली हाइक शुरू होगी। और बहुत खूबसूरत नज़ारा है, नज़ारा आपको दिखाता हूँ। और वो हमारे दो शागिर्द हैं, वो आगे जा रहे हैं और ये हमारे दो छोटे वाले ट्रैकर चल रहे हैं। और ये पीछे एक और व्लॉगर जो अभी अभी नए पैदा हुए हैं वो आ रहे हैं। ट्रैक बहुत पतला सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, एकदम चौड़ा कम। और नीचे पूरा गड्ढा और नीचे लेक, वो पूरी बड़ी लेक है, बहुत बड़ी है। रोड के साथ साथ वो रोड है जो उदयपुर से बड़ी लेक के लिए आता है। ऊपर वहाँ पे आपको खाने पीने का मिल जाता है, मैगी नीचे ऊपर भी मिल जाती है, मैगी नीचे भी है, पॉइंट वगैरह खाने पीने के। तो एंड मोर ओवर टिकट्स वगैरह ज़्यादा नहीं है, अनलाइक रेस्ट ऑफ द प्लेसेस विच यू विजिट इन उदयपुर। दीज आर वेरी कॉस्टली बट दिस प्लेस इज नाइस, राइट? टू गेट ए नाइस व्यू ऑफ द लेक। आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे आके एक बार थोड़ा सा एटलीस्ट 15 टू 20 मिनट्स यहाँ पे टाइम स्पेंड करिए। इट्स अ नाइस एरिया, यू गेट अ नाइस व्यू ऑफ द लेक। बस 5 मिनट का और थोड़ा सा वॉक और हम बाहुबली हिल के व्यू पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। बड़ा मस्त व्यू यहाँ से, अभी ऊपर एक शॉप है, उसके बाद 5 मिनट का ये वॉक। कैक्टस बेसिकली सिंगल लेक बट पार्टीशन बाई अ स्मॉल आइलैंड और माउंटेन बोल सकते हो उसको, बड़ी लेक बोलते हैं इसको। उदयपुर के आउटस्कर्ट्स में है और सज्जनगढ़ से 15 मिनट्स का ड्राइव है। सो दिस इज द व्यू यू गेट एंड आई एम प्रिटी श्योर अगर ये बारिश में है तो ऑसम रहता होगा, और ठंड में भी ऑब्वियसली। और एक्चुअली आस पास के पहाड़ देखो, आसमान एकदम नीला। खैर आज यहाँ पे थोड़ा सा बादल वगैरह थे बट इतने ज़्यादा नहीं है, कल का प्रेडिक्शन रेनफॉल का है, बट आज तो ऑसम था। यहाँ पे मैंने टाइम स्पेंड किया, करीब 1 घंटा बैठा। देयर लॉट ऑफ फोक्स विच केम इन, कुछ तो वेडिंग शूट के लिए आए हुए थे। सो अगर कोई वेडिंग शूट के लिए आ रहा है, यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ प्लेस दिस इज, राइट? सो आई वुड सजेस्ट कम हियर इफ यू आर कमिंग टू उदयपुर।